दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जिमीकंद की सब्जी। ये देखो, और इससे कई इलाकों में सूरन भी बोलते हैं। तो हम इसको काटते हैं। देखो, हमने दो भागों में काट लिया, इसमें से भी काटेंगे। तो दोस्तों, हमने ये काट लिया है, देखो ऐसे ऐसे टुकड़ों में। अब हम धोएंगे इसको। ऐसे निकाल निकाल कर रखते हैं। ये हमने सारे धो लिया है। दोस्तों, ये है इमली के पत्ते। अब हम इमली के पत्ते डालेंगे इसमें। इमली के पत्ते हैं इसमें डालते हैं, क्योंकि हाथ में खुजली होती है, इसीलिए इसको डालते हैं। तो इससे खुजाते नहीं है हाथ। हमने डाल दिया है पूरी इमली के पत्ते इसमें, देखो ऐसे। अब हम इनको रखते हैं ऐसे करके, तो हमने ये रख लिए इनके ऊपर, और इमली के पत्ते रखेंगे। तो इसी इस तरह पूरी को ढकेंगे। अगर इमली के पत्ता ना मिले तो अमरूद के पत्ते भी डाल सकते हैं, पर हमारे यहाँ तो इमली के पत्ते हैं। ये देखो, पूरे ढक चुके हैं। अब इसमें हम पानी डालते हैं। ये हमने पानी डाल दिया है। हमारी आग जल चुकी है। अब हम इसको रखते हैं इस आग पर उबालने के लिए। कम से कम 25-30 मिनट तक हम इसको उबालेंगे। हम इसको अब देखते हैं, हमारे 35 मिनट हो गए। ये देखो, पत्ते कैसे हो गए हैं। एक साइड करके हम इसको देखते हैं, थोड़ा निकाल के। इसका मतलब है सिर्फ हो चुका है, पूरी तरह पक चुका। अब हम इसको उतारते हैं। हम इसको उतारते हैं अब, यानी कि पक के तैयार हो गया है। पत्ते
पत्ते कैसे हो गए हैं देखो। ये देखो निकालने में कैसे दिख रहे हैं। हमारे पूरे निकल चुके हैं, इनको थोड़ी देर के लिए ठंडे करने के लिए रखते हैं क्योंकि ज़्यादा गर्म है। तो दोस्तों हम इसको छीलते हैं, ठंडा हो गया है ये। ऐसे निकालना पड़ता है पूरा। तो दोस्तों ये चाकू की सहायता से हमने ये पूरे छील लिए है, छिलका उतर गया इनका। ये देखो ये पूरे हमारे छिल चुके हैं। ये है एक आधे, इसको भी निकालते हैं हम। तो ये हमारे छिल गए हैं। अब हमें इनको काटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो दोस्तों हमें इनको काटते हैं अब ऐसे। ये देखो ऐसे काटेंगे। तो दोस्तों हमने ये काट लिया है पूरा। ये देखो काट चुके हैं सबको। दोस्तों आग जला चुके हैं, अब हम कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई हमने रख दी है, तो हम तेल डालते हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा तेल लगता है तो इतना तेल डाला है हमने। ढाई सौ ग्राम से ज्यादा होगा। अब इसको गर्म होने तक छोड़ते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हम डालते हैं तेज पत्ते। जीरे को भी डालते हैं। तो हम लहसुन डालते हैं। और ये लहसुन हमने काट कर रखा था। प्याज भी डालते हैं, दो प्याज काटी थी बड़ी बड़ी।
प्याज को पकाते हैं थोड़ी देर। वो हम डालते हैं टमाटर, चार टमाटर लिए थे हमने। तो डालते हल्दी, टमाटर, प्याज पक चुकी है, डालते हैं दो चम्मच क्योंकि ज्यादा है। और डालते हैं हम नमक स्वाद अनुसार। हमारा मसाला डल चुका है, मिलाते हैं हम इसको। अब छोड़ते हैं हम इसको, सूरन को। तो हम इसको मिलाते हैं। पूरी तरह मिला लिया है। थोड़ी देर के लिए हमें इसको बिना पानी में छोड़ते हैं। तो हम अब इसको देखते हैं। चार पाँच मिनट हो गए, अब पानी डालते हैं इसमें। थोड़ा और डालते हैं। इसको हम पकाने के लिए छोड़ते हैं 10-15 मिनट के लिए। हमारी 10-15 मिनट हो चुकी है, अब हम देखते हैं इसको। हमारी सब्जी पक चुकी है।
इसको हम उतारते हैं। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ा सा अमचूर डालते हैं। ऐसे तो हमने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, पर थोड़ा सा अमचूर डल जाता है तो और अच्छा लगता है। तो हमारी सब्जी पक चुकी है पूरी तरह। आज का हमारा वीडियो तुमको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।